हाय चैनल, आज आपके साथ मैं एक ड्रेस का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं इस तरह। पर उससे पहले प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये एकदम फ्री है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है या थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहता है आपके लिए तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है, ये ड्रेस इस तरह से मुझे रिसीव हुई है। अब मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी कि ये कैसी ड्रेस है। ये ग्रीन कलर की ड्रेस है, अथाना ब्रांड की ये ड्रेस है। एक्चुअल प्राइस इसका शायद है 2400, इससे मेंशन नहीं है। एक्चुअल प्राइस 400 या 2500, इस पे प्राइस मेंशन नहीं है। तो ये मैंने डबल एक्सल साइज में ऑर्डर किया था, ब्रांड है अथेना, ये ग्रीन कलर का ड्रेस है। आप अगर चेक करेंगे तो आपको ये बहुत इजीली मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर मिंत्रा, जबोंग, सब जगह ये ड्रेस आपको मिल जाएगी। और मैं आपको मुझे ये मिली है 1150 रुपीज में, तो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे मुझे ये ड्रेस मिल गई थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह का ड्रेस है, इस तरह से ये शोल्डर आएगा। मतलब ये जो मैं आपको पहन के दिखाऊंगी तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि ड्रेस किस तरह से है। इस तरह से ये शोल्डर, ऊपर नेक और शोल्डर आएगा यहाँ से, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा फ्लावर बना हुआ है सेम फैब्रिक में, ग्रीन कलर का फैब्रिक है ये, शायद पॉलिस्टर है फैब्रिक। तो ये लॉन्ग ड्रेस है, लॉन्ग मैक्सी ड्रेस, देखिए और ये स्ट्रेचेबल है, डबल एक्सल साइज। मतलब अथेना की जो ड्रेसेस हैं वो थोड़ी सी मेरे को फिट आती हैं डबल एक्सल साइज में भी। अगर मैं किसी और ब्रांड से मंगवाती हूँ तो मुझे एक्सल भी फिट आ जाता है, पर अथेना की जो डबल एक्सल है वो भी मुझे फिट आती है। तो ये ड्रेस वैसे तो बहुत प्यारी है, आप पहन के भी देखेंगे तो ये बहुत प्यारी लगेगी। मैं आपको बता दूं, ये विंटर्स के लिए तो बहुत अच्छी ड्रेस है ये, क्योंकि इसका जो फैब्रिक है थोड़ा सा थिक है ये, आप इसे गर्मियों में वेयर नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो फुली एसी, एयर कंडीशन होना चाहिए जहाँ पे भी आप जाएं, तो ही आप इसको वेयर कर पाएंगे। विंटर्स के लिए ये अच्छी है ड्रेस, थोड़ा सा फैब्रिक ठीक होने का। गाइस, मेरा ओवरऑल इस ड्रेस के लिए रिव्यू है, ड्रेस ये बहुत प्यारी है, आप इसको जरूर परचेज कर सकते हैं, पहनेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। और हाँ, पर इसको आप, इसके नीचे आपको स्टेपलेस या फिर ट्रांसपेरेंट स्टेप्स वेयर करने पड़ेंगे, नहीं तो विजिबल हो सकता है। तो चलिए गाइस, अभी के लिए वीडियो खत्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। मैं आपके साथ में मैं पिक्चर्स अपलोड कर दूंगी या वीडियो अपलोड कर दूंगी जिसमें मैंने ये ड्रेस पहनी हुई है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये ड्रेस कैसी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। इस ड्रेस के साथ मैंने वेयर किया है प्रेसी का नेकलेस और इयररिंग्स, और अभी फिलहाल मैंने फ्लैट वेयर किया हुआ है, साइड पे इस तरह से कट आएगा इसमें, तो ये बहुत ही क्लासी लग रहा है। तो गाइज, अभी के लिए मैं वीडियो खत्म करती हूँ, बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये ड्रेस कैसी लगती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।